ओम शांति। अचल, अखंड और अटल कैसे बन सकते? हर एक आत्मा को जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना अचल और अटल बन सकते। आज 66वां विषय है जो बाबा हम सब बच्चों को समय समय पर समझाते रहते। आज 21 दिसंबर 1989 के महावाक्य हैं। बाबा कैसे समझाते हैं? निश्चय बुद्धि की कभी हार हो नहीं सकती। निश्चय बुद्धि औरों को भी हार खाने से छुड़ाने वाले। स्वयं कैसे हार खा सकते हैं? तो विजयी बनने का फाउंडेशन है निश्चय फाउंडेशन। अगर पक्का है तो बिल्डिंग हिल नहीं सकती। निश्चिंत रहते हैं। अगर अगर फाउंडेशन कच्चा है तो थोड़ा सा भी तूफान आएगा, थोड़ी भी धरने हिलेगी तो भय होगा कि ये बिल्डिंग हमारी गिर नहीं जाए या क्रेक नहीं आ हो जाए। लेकिन फाउंडेशन पक्का, फाउंडेशन पक्का होगा तो निर्भय होंगे। ऐसे ही निश्चय का फाउंडेशन पक्का है तो कोई तूफान हिला नहीं सकता, कोई भी तूफान हिला नहीं सकता। तो ऐसे विजयी हो या कभी कभी थोड़ी दरार पड़ जाती है या कभी थोड़ी खिड़कियां दरवाजे के शीशे हिलते हैं, तूफान लगता है या धरने की हलचल होती है तो क्या होता है? क्या होता है? हलचल तो नहीं होती है ना। हलचल में अचल रहना, इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि, विजयी रतन। सिर्फ बाप में निश्चय नहीं, अपने आप में भी निश्चय और ड्रामा में भी निश्चय। तब बनेंगे अचल, अडोल, हलचल से मुक्त रहने वाले। तो हमें समझ में आ रहा है, हमें विस्तार से जानना है तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। ओम शांति।